दोस्तों मुझे एक प्रोजेक्ट फाइल मिला है स्केच एयर प्रो का, लेकिन दोस्तों काफी अलग टाइप का प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप का है। वो क्या है, लेआउट का बैकग्राउंड में ना दोस्तों अजीबोगरीब अलग अलग कलर्स का, अलग अलग डिजाइन का जो है एनिमेशन चलता रहता है। ठीक है, कलर इफेक्ट, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर इफेक्ट का एनिमेशन ऐसे ही प्ले होता रहता है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आपको जो है ना ये वीडियो पूरा लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। एकदम अलग टाइप का प्रोजेक्ट फाइल है स्केचवेयर प्रो का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का ये नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्रेडिट दे देते हैं, आप जो है इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, अलग टाइप का प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेआउट है, इस लेआउट का बैकग्राउंड में और ये ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर एक PNG टेक्स्ट व्यू और यहाँ पर एक मटेरियल बटन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका बैकग्राउंड में जो लेआउट है, उस लेआउट का बैकग्राउंड में दोस्तों आपको जो है मतलब इसका बैकग्राउंड में ये जो है इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर इफेक्ट या फिर एनिमेशन वगैरह जो कुछ भी है आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये एक नहीं है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप मतलब बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इजीली। तो दोस्तों मैं आपको ये जो है ना प्रोजेक्ट फाइल इंस्टॉल करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको बेहतर आपको समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, आपको वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों आप थोड़ा समय वेट कीजिए, हम जो है इस प्रोजेक्ट फाइल को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, मतलब इसको APK में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब भी ये हो गया है तो अभी दोस्तों हम जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एक्टिव बैकग्राउंड्स। ठीक है, ये इसका लोगो है, गैलरी में जो लोगो होता है ना iOS का, तो उसका। तो हम इसको दोस्तों ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ध्यान दीजिए, ठीक है, आप इसका बैकग्राउंड में ध्यान दीजिए, काफ़ी अलग टाइप का आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो 3 डॉट बना हुआ है, 3 डॉट का ऊपर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है अभी जो है दोस्तों, मैं थोड़ा लाइट कम कर दिया है। बैकग्राउंड का ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ये देखिए बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। ओके, तो यह सबसे ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं बबल्स गैलेक्सी, तो इसे दोस्तों हम जो है सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो गैलेक्सी में जो बबल्स होते हैं, कुछ उसी टाइप का दोस्तों आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है दोस्तों प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं एनिमेशन है, काफ़ी खूबसूरत है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये रेनबो लाइन्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत टाइप का दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं RGB लाइट आपको पता होगा, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी कलरफुल टाइप का आपको यहाँ पर दोस्तों ये देखने के लिए मिल रहा है ना दोस्तों। जैसे लाइव वॉलपेपर्स होते हैं ना, लाइव वॉलपेपर्स, तो ये आपको उसी टाइप का देखने के लिए मिलेगा, लाइव वॉलपेपर्स टाइप का ये देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों RGB कलर का। और आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। अब देखिए, ये जो हार्ड टाइप का, जो रेनबो हार्ड टाइप का कलर में आपको ये मिलता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, मल्टी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट, और ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये RGB कलर है। आप देखिए, ये कलर जो है चेंज होता रहेगा अपना आप दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर चेंज होता रहेगा। उसके बाद और क्या क्या है हम देखते हैं, यहाँ पर ब्लू क्या रिबन्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये देखिए, ये एक तरह का है दोस्तों। ये सब जो है दोस्तों ना एनिमेशन है। और ये क्या है देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग दिया गया है दोस्तों, ये देखिए नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे हैं, अलग अलग है दोस्तों, मैं आपको ये सब तो दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप खुद ही दोस्तों, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है कलरफुल टच,
ये क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, अगर आप यहाँ पर टच करेंगे ना तो ये देखिए पूरा लाइव एनिमेशन है दोस्तों, मतलब सॉरी लाइव वॉलपेपर में जो होता है ना बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। मुझे पता नहीं था इसमें ये भी होता है, अगर आप टच करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का मज़ेदार देखने के लिए मिला। देखिए दोस्तों पूरा कलरफुल है, ठीक है, आप जितना फिंगर में टच करेंगे वो उतना ही काम करेगा, काफ़ी अलग टाइप का है दोस्तों। बाकी जो है दोस्तों आप खुद ही इस प्रोजेक्ट फाइल को दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रोजेक्ट फाइल का डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं सोचा नहीं था, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बम ब्लास्ट यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, जैसा जैसा आसमानों में कोई दिवाली का बम पटाखा फूटता है ना, बिल्कुल आपको दोस्तों वैसा ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो का नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी सवाल है आपका, जो भी क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपना दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।